अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक है यार। बच्चों ने एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, उसको एक छोटा सा पंगा पड़ गया, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग में। और वो पंगा क्या है? वो पंगा ये है कि सर, जब डिस्पोजल करते हैं तो हम बुक्स में से नेट बुक वैल्यू निकालते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, या हम कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब वो बेचारा इस बात पर परेशान बैठा है, लोग उसको समझा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा इंटरवीन करता हूँ, मैं समझा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, दो तरह के लोग हैं। एक जो दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो कहते हैं यार कि हमने दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एक कॉस्ट का अकाउंट सेपरेट एंड दूसरा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट सेपरेट। तो ये दो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के एसेट के लिए। ये दो अकाउंट कहते हैं जी, हमारे दो अकाउंट्स होंगे जी, बैक एंड पे दो अकाउंट्स बना के हम दो अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे अपने एक एसेट को। सपोज करो इन्होंने एक प्लांट खरीदा है, तो इन्होंने इसका मतलब प्लांट की कॉस्ट का अकाउंट भी बना लेना और प्लांट की एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें ये एसेट हमने खरीदा था 50 का, मिलियन में बात हो रही है, इजी ना लेना। डेबिट करेंगे प्लांट को, क्रेडिट करेंगे कैश को। कितने मिलियन का खरीदा? 50 मिलियन का। अब जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल चार्ज करनी है इन्होंने, ओवर 5 ईयर्स चार्ज करनी है, तो 50/5 करेंगे तो 10 की डेप्रिसिएशन आएगी। ये ईयर वन के एंड पे क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे, ये लें 10 से, फिर 10 से। इन द सेम वे ये दूसरे साल में भी यही करेंगे, डेप्रिसिएशन टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये इन्होंने काम कर लिया भाई, 10/10। अकाउंट बना के देख लेते हैं। अकाउंट बनाएंगे तो एक कॉस्ट का अकाउंट प्रिपेयर किया हम लोगों ने, ये कॉस्ट का अकाउंट आ गया, ये ले। इसमें प्लांट जब हमने खरीदा ईयर वन में, तो आपने डेबिट प्लांट किया 50 से, क्रेडिट कैश कर दिया, तो ये इसके आगे आप कैश लिख देंगे या बैंक, और कैरी डाउन बैलेंस आ गया। ईयर वन खत्म हुआ, 50 का 50 ये लें, खत्म, ये काम खत्म। तो इस साल का कैरी डाउन है वो अगले साल के लिए दोबारा ब्रॉड डाउन बन गया, ये लें, और ये 50 आ गया इधर, अगले साल फिर ये कैरी डाउन बन गया, ये लें। अगर मैं पूछूं ये प्लांट कितने का पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 50 का एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, दूसरा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट में सबसे पहले पहला साल जो था, ईयर वन जो था, उसमें आपने क्या किया था? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन इधर लिखी 10, कैरी डाउन बैलेंस 10 आ गया। अगले साल के लिए यही कैरी डाउन बैलेंस क्या बन गया? ब्रॉड डाउन बैलेंस बन गया। आपने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की 10, और ये कैरी डाउन बैलेंस आ गया 20। अब अगर मैंने एलिमिनेट करना हुआ, अब मेरा एसेट ये बिक गया। अगर एसेट बिक गया तो आप मुझे बताएं कितने अकाउंट मेंटेन है इस एसेट के लिए? दो अकाउंट। तो जी सर, अब ये लोग एसेट बेच देते हैं। अब देखो, कॉस्ट का एक अकाउंट ओपन करके बैठे हुए हैं आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के लिए, दूसरा आप एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट कर ओपन करके बैठे हुए। तो जब आपने दो अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दोनों को क्लोज करेंगे, यानी दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। डेबिट कैश सपोज करते हैं ये एसेट हमने बेच दिया है 32 का, तो सर कैश 32 से। अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई है इस एसेट की? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट कर दोगे आप लोग कितने से? 20 से, ये लें। और एसेट की कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है? तो एसेट की कॉस्ट एलिमिनेट कर देंगे आप, तो एसेट की कॉस्ट भी एलिमिनेट कर देंगे, तो ये 50 से बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। एंड हियर वी हैव अ प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड पे आ रही है अमाउंट, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया, विच इज 2। नहीं जी, इतना सा काम था। अब आ जाओ दूसरे वाले भाई। दूसरे वाले भाई कहते हैं कि यार ये दो अकाउंट्स में हमने नहीं रखा, तो यानी कुछ कंपनीज ये करना शुरू हो जाती हैं, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड। कुछ कंपनी कहती हैं नहीं, हमने ये पंगे में नहीं पड़ना। हम कहते हैं आपने क्या करना है? वो कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे? एसेट अकाउंट, एसेट की नेट बुक वैल्यू का अकाउंट मेंटेन करेंगे, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा हमसे कोई उम्मीद ना रखे। हमने क्या क्या मतलब? उन्होंने कहा यार कि हम जिस दिन एसेट खरीदते हैं डबल एंट्री बना देते हैं, सेम क्वेश्चन, डबल एंट्री बनाते हैं डेबिट प्लांट,
और क्रेडिट किसे कर देते हैं हम लोग, कैश, ये लें 50 से। अब हमने हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है उसकी हमने एंट्री ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ नहीं करनी है, फिजूल काम है। हमने कहा आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा जी डेप्रिसिएशन टू एसेट कर देंगे हम। डेप्रिसिएशन टू एसेट मतलब डेप्रिसिएशन टू प्लांट, डेप्रिसिएशन टू प्लांट, तो सर ये काम है उन्होंने करना। 10 की डेप्रिसिएशन है ओवर 10, 5 ईयर्स लाइफ थी तो 10 की डेप्रिसिएशन, 10 की डेप्रिसिएशन। अब इनके अकाउंट चेक करें आप, ये अकाउंट क्या कर रहे हैं, ये एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं विच इज प्लांट कैरिंग वैल्यू नेट बुक वैल्यू का अकाउंट। ओके, अब हमने क्या करना है सर, देख लें जरा। सर आपने पहले साल खरीदा था तो आपने ईयर वन में ये लिखा कैश, ईयर वन में ये 50 का एसेट आया, ये लिख दिया। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री में आपने इधर ही डेप्रिसिएशन लिख दी, ये लें 10। अब कैरी डाउन बैलेंस कितना हो गया, 40 का, एक ही अकाउंट में, पहला साल खत्म। दूसरा साल, इस साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल के लिए क्या बनता है, ओपनिंग, ये लें 40। अब आपने डेप्रिसिएट फिर किया, डेप्रिसिएशन की आप एंट्री ये बना रहे हैं डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो अब हमने क्या करना है, तो आपके सामने है जी सर। अब हम करेंगे जी बिल्कुल ठीक, 10 की डेप्रिसिएशन हो, फिर कैरिड ऑन बैलेंस 30 आ गया। अब इस सिस्टम में या जिन लोगों ने नेट बुक वैल्यू का अकाउंट मेंटेन किया होता है, यहाँ पे एसेट 30 का बड़ा हुआ है निकाल दो, क्यूमुलेटिव ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे डबल एंट्री क्या बनेगी, डेबिट करेंगे आप लोग कैश को कितने से, 32 से, क्रेडिट करेंगे आप एसेट की नेट बुक वैल्यू को जो नेट बुक वैल्यू है 30 से, और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो जाएगा आपका 2 से। तो ये दो सिस्टम्स हैं। आगे चल के कभी हम कभी वो कहेगा कैरिंग वैल्यू का अकाउंट बनाओ, कभी वो कहेगा कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड का बनाओ, जब वो कहेगा कॉस्ट एक्यूमुलेटेड का बनाओ तो डिस्पोजल की ये एंट्री बना दिया करेंगे, यानी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी इलिमिनेट करना है और कॉस्ट भी इलिमिनेट करनी है, तो सारा कुछ ही सेम रहा है। नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बना रहे होंगे तो डिस्पोजल की ये एंट्री बना दिया करेंगे। आई होप आपको भी बात क्लियर है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड और जरा बढ़ते जाओ।